हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पीएमटी फॉर्मूले के बारे में। और ये लाइन कैल्क, ये जो लिनक्स में यूज होता है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर बात करें हम विंडोज की, तो विंडोज पे हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? विंडोज पे हम लोग यूज करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, तो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और उस पैकेज का नाम है एमएस ऑफिस, और इस पैकेज का नाम है लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस लिनक्स में यूज होता है। We can use this software in Windows also. तो मैंने अभी Windows में ही use कर रहा हूँ, लेकिन ये आमतौर पर Linux में use किया जाता है। तो कैसे करेंगे हम इसमें PMT formula का उपयोग, यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, is equal to लगाना है, जैसा कि आप Excel में लगाते हैं is equal to किसी भी formula को शुरू करने के पहले। तो यहाँ is equal to और फिर यहाँ PMT लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए formula यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे FX पे क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला सर्च करना है, ठीक है। जैसे आपने सर्च करा PMT, ठीक है, तो जैसे PMT सर्च करेंगे तो इसमें PMT से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इज इक्वल टू करके ही फॉर्मूला यहाँ से लगा लेता हूँ और लिखता हूँ PMT, ठीक है। आपको यहाँ शिफ्ट के साथ 9 अल्फा न्यूमेरिक की दबानी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे सिंटेक्स में क्या कह रहा है, रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास है वो है 12.20%, यानी 12.20%। इसको सेलेक्ट करा हमने, लेकिन हमें हर महीने देखना है कि कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक महीने का ब्याज पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके बाद दिया हुआ है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों में ये लोन आप चुका देंगे। तो 2 सालों में चुकाएंगे, तो यहाँ 2 आप हाथ से भी लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एनपीईआर दिया हुआ है, तो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, इनटू का साइन लगाऊंगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसी तरह से 2 साल वहां लिखा हुआ है 2 एनपीईआर। तो इसको अगर 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 महीने का कैलकुलेट करके ये दे देगा, कॉमा देंगे। अब यहां पर कह रहा है पीवी, जैसा कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं यहाँ पीवी लिखा हुआ है। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो बाइक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 77,000, यानी 77,000। तो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, लेकिन कुछ हमने डाउन पेमेंट भी किया हुआ है, ये डीपी का मतलब है डाउन पेमेंट, ठीक है। तो माइनस करता हूं इसको, यहां से मैं माइनस कर देता हूं 25,000 जो डाउन पेमेंट किया, इसको माइनस कर देता हूं। उसके बाद सिंटेक्स में कॉमा दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ कॉमा दे दिया हमने। अब एफबी दे रहा है, क्या इससे कोई फ्यूचर वैल्यू हमें मिलेगी, क्या कोई हमें इससे धन प्राप्ति होगी आगे चल करके, कोई हमें फायदा मिलने वाला है? नहीं, कोई पैसा हमें नहीं मिलेगा। फ्यूचर वैल्यू को वैसे छोड़ देते हैं, टाइप पर आते हैं। तो टाइप देखिए, महीने के शुरुआत से अगर बैंक ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू किया है, अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए 5 जून को आपने बाइक खरीदी, ठीक है, 5 जून को बाइक खरीदी। तो आपने बाइक कब खरीदी, 5 जून को खरीदी। ऐसा तो है नहीं कि 1 तारीख को खरीदा आपने, 1 जून को खरीदा। तो अगर महीने की शुरुआत से, यानी 1 तारीख से ब्याज कैलकुलेट करेगा बैंक, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टाइप में 0 रखेंगे। और अगर जिस डेट से आप चाहते हैं उस डेट से करना चाहते हैं, जैसे 5 जून से अगर बाइक खरीदी किसी ने, तो 5 जून जो डेट है उसी डेट को आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे। फिलहाल मैं 0 रखता हूं अभी, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा लोन कैलकुलेट होकर आ जाने वाला है, ठीक है। ये देखिए, ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ये ऐसी वैल्यूज आती हैं। तो इसको यहां से हम विथ इसकी बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई हो गया है, यहां पे परसेंटेज हमें नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, यहां पे हमें नंबर फॉर्मेट रखना है, ठीक है। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा, और ये बता रहा है कि हम 1 महीने में हमें कितना अमाउंट चुकाना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 1 महीने का अमाउंट बता रहा है कि हमें कितना अमाउंट चुकाना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इंक्रीज एड डेसिमल प्लेसेस और यहां पर डिलीट डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है। अगर आप डेसिमल प्लेसेस, ये जो 0.68 पैसे जो आए हुए हैं, इनको आप हटाना चाहते हैं तो यहां से हटा सकते हैं, ठीक है, या बढ़ाना घटाना चाहें तो यहां से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एज योर विश, ठीक है, मैंने इसको 7 कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि यह बात समझ में आई होगी कि ये पीएमटी फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, कमेंट भी करें ताकि मुझे पता लगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।